गाइस इंडिया में गोभी का क्या प्राइस है प्लीज बताना। तो मैं मेरी फेवरेट नहीं हूँ। अगर मुझे मेरे जैसा दोस्त मिले तो मजा आ जाए। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देखिए, डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे। सो आज के दिन की शुरुआत की है हमने डिलीशियस मील के साथ। ऑलराइट, जिसमें मैंने बनाई है ये डिलीशियस मक्की की रोटी, उसके साथ है व्हाइट मक्खन, दही एंड घर का बना हुआ डिलीशियस नींबू का अचार। अगर आप ये नींबू के अचार को बनाना सीखना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी मेरे कुकिंग के चैनल पर है, सिमॉर्क एंड कुक। अगर आपने मेरे कुकिंग चैनल पे मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी क्योंकि जो मेरी रेसिपीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा क्विक एंड ईजी हैं और आई डोंट नो, फॉर सम रीज़न अच्छी भी बन जाती हैं। सो अगर आपको लगता है कि कुकिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है तो आपको मेरी रेसिपीज़ को देख के ऐसा नहीं लगेगा क्योंकि मेरी रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा आसान है। सो यस, अब हम पति के रिव्यूज लेते हैं कि उनको रोटी कैसी लगी। ज़्यादा पाव ना मार दो। और दोस्तों तो बहुत सोनी तोप है और मैंने पति को कहा कि बैठ के पकवाना मेरी खाया प्यारी ते नुना मेना दोबारा प्यार हो जाना वे। की गल तू तो है जिद्दा मेनू कहना लड़ाउना। खा के देखो जरा, इतनी सॉफ्ट, सारा कुछ होममेड वे, होममेड दही, होममेड मक्खन, रोटी। दाता दे मेरी लड़ाई कदों। गलासी च पा दिया मक्खन पगला, दूजी भी दे, दूजी भी दे। और दूजी सही नहीं बनी। बहु खाओ बुरकी, लोगों को रिव्यू दो ते चल दे बनिए ही, अहीं होर कोई काम करिए। प्यारी तू की पिंड नु मिस करना, तेरा पिंड ते इत्थे बनाया दा है, वधिया लगंदी, स्वाद है ना, झूठ नहीं मारना, बहुत वधिया वधिया बनी। और दोस्तों समय हुआ है 3 o'clock एंड हिम्मत का स्कूल फिनिश हो चुका है और मैं रेडी हूँ आज के दिन के लिए और मैं एडिटिंग का काम शुरू करने वाली हूँ। पर उससे पहले मेरे हस्बैंड बना रहे हैं चाय और मैं चाय पीऊँगी। वो बहुत ज़्यादा कम चाय बनाते हैं पर फाइनली आज वो दिन आ चुका है जब वो चाय बनाए। हिलो गए बड़े कर दे। अपने पति के घर में रानी बन के रहूंगी, कुछ भी काम नहीं करूंगी, तितली बन के रहूंगी। हेलो दोस्तों, तो आज हमारे घर में बनने वाली है पाव भाजी, क्योंकि पाव भाजी हस्बैंड पाव लेके आए थे तो मैंने सोचा कि वो तभी ख़त्म होंगे अगर भाजी बनाएंगे, क्योंकि हम हिम्मत के लिए लेके आए थे, हिम्मत को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो आजकल तक खा नहीं रहा है उनको ब्रेड को, सो हमें उनको ख़त्म करने के लिए पाव भाजी बनानी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ है कि आसान है, आज मेरा कुक करने के लिए मन नहीं है तो ये दोनों पिता एंड पुत्र सो ये दोनों पिता एंड पुत्र मेरी मदद करेंगे, पुत्र सामान लाने के लिए, पिता काटने के लिए। एक्टिंग देखी के दरादा हमें तो उधर चल जाओ उस रूम। ऑलराइट दोस्तों, ये पिता एंड पुत्र दोनों जाने मुझे बहुत परेशान करते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं, पता नहीं केड़ी खुशी चाहिए, ऐसे बिहेव करते हैं कि ये दोनों भरा भरा हैं। ये मेरे नाल यारियां पांदा फिरदा पियो नाल
गाइस इंडिया में गोभी का क्या प्राइस है प्लीज बताना, क्योंकि हमारे समय में लाइक जब नई नई गोभी आती थी सीजन की तो 30-25 में मिल जाती थी, फिर गोभी लेना गा पेता था दोस्तों कि फिर गोभी हो जाती 10 रुपए किलो, लोग की खादा क्या जानते उदो गोभी 10 हो जाती है ना, वो 10 दे टे 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 लगने आई तो अपने घरों तोड़ देने मैं खाने नहीं रहे करो मतलब कढ़ाई जो आज मैंने एक बात को नोटिस किया है, कितना समय मैं किचन में स्पेंड करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करती वैसे तो, क्विकली कर लेती हूँ, पर मेरे पास एप्रन नहीं है मैम। वैसे तो मैं हमेशा मेरे हस्बैंड की टी शर्ट पहन के ही क्लीनिंग करती हूँ या कुक करती हूँ ताकि अगर ख़राब हो या बदबू आए उसी में से आए, पर जब मैं अपनी पहनती हूँ तो मुझे चिंता रहती है कि उस पर दाग नहीं लग जाए, तो आज मैंने सोचा कि मैंने कभी एप्रन क्यों नहीं लिया, काफ़ी ज़्यादा अजीब है ये। तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, मैं भाजी को तड़का लगाने वाली हूँ। पाव भाजी की रेसिपी मेरे चैनल पे है, उसको निकाल के हम कुकिंग चैनल पे भी अपलोड कर देंगे। चलो पूछते हैं कि मेरे जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं वो कहाँ से लिए हैं मैंने, तो वो कॉस्को किर्कलैंड ब्रांड के हैं और मैंने कॉस्को से लिए हैं और वो अच्छे हैं, उनके हैंडल्स गर्म नहीं होते। ऑलराइट दोस्तों, तो पाव भाजी तैयार है, अब मैं खा के टेस्ट करने वाली हूँ, पर मुझे टेस्ट करने की ज़रूरत ही मुझे पता है मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा तगड़ा जादू है और टेस्ट की परफेक्शन आती है। एक्चुअली मैं किसी का कमेंट पढ़ रही थी, वो बोल रहे थे कि तुम अपनी तारीफ़ करते हो बहुत ज़्यादा, ऐसे ही मैं भी अपनी बहुत तारीफ़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी तारीफ़ करना। एंड वो बोल रही थी कि मैं आप ऐसी हैं जैसे बोलते हैं कि मैं मेरी फेवरेट हूँ, शी सेड कि मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। एक्चुअली मुझे मेरी पाव भाजी बहुत ज़्यादा पसंद है, जब से मैंने पाव भाजी बनाना शुरू किया हम बाहर कभी भी पाव भाजी नहीं खाते हैं, कहीं पे भी चले जाएँ जब हम इंडिया भी आते हैं तो पाव भाजी हम बाहर से नहीं खाते, मैं ही कुक करती हूँ। ऑलराइट, बैक आते हैं उस बात पर, उन्होंने कहा कि मैं मेरी फेवरेट हूँ, बिल्कुल सूट करता है मुझे एंड वो भी वैसी हैं जैसी मैं हूँ। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं मेरी फेवरेट इतनी ज़्यादा नहीं हूँ जितना मैं होना चाहती हूँ, अपना फेवरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि वो सेल्फ लव में आता है। अगर आप अपने फेवरेट हो ना कि मैं मेरी फेवरेट हूँ तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। जो इंसान अपने आप को प्यार करता है वो ज़्यादा खुश रह पाता है और दूसरों को भी प्यार दे पाता है। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते तो आप दूसरे को नहीं दे सकते, ऐसा है कि आपके पास खुद पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं और आप कहते हैं कि मैं दर्जी हूँ मैं सबको सिल के दूंगा। सो अपने आप को प्यार करना बहुत ज़रूरी है, मैं इसमें पूरी परफेक्ट नहीं हूँ, बहुत सारी कमियाँ हैं मुझ में, बहुत बार मैं अपने आप पे बहुत डाउट करती हूँ और मैं वर्गो हूँ और जो वर्गो होते हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। बस मेरे में ये अच्छा है कि मैं किसी को नहीं बताती जो मुझ में मुझे लगता है कि ये कमी है मुझे अपने आप में बहुत सारी कमियाँ मिलती हैं, पर मैं किसी से उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करती हूँ, पर मैं अपने आप से बहुत डिस्कस करती हूँ। अगर आप वर्गो हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे कि हम हमारी बुराइयाँ ही बहुत ज़्यादा करते हैं अपने आप से, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी हैबिट है, क्योंकि अगर आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं या अपने आप को बुरा बोलते रहते हैं कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम ऐसे हो, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, हमारे पास समय नहीं है किसी और को क्रिटिसाइज़ करने के लिए क्योंकि हम खुद को ही बहुत करते हैं। सो अगर आप समवन है जो रिलेट कर सकता है तो मुझे जरूर से बताना। मैं बहुत अपने पिछले सदियों पहले की बातों को भी लेके अब तक कई चीज़ों को रिग्रेट करती रहती हूँ, अभी तक भी सोचती रहती हूँ कि काश मैंने 20 साल पहले ये चीज़ ना की होती, 10 साल पहले ऐसा ना होता। सो मेरे में ये वाली बुराइयाँ हैं। सो मैं मेरी फेवरेट नहीं हूँ, होना चाहती हूँ
पर मुझे, मैं पसंद हूँ काफी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर कोई दोस्त मुझे मेरे जैसा मिले, क्योंकि दोस्तों के लिए मैं बहुत प्यारा दोस्त हूँ. लाइक अगर मुझे किसी से प्यार हो जाता है तो फिर मुझे उससे कोई भी दुश्मनी नहीं करा सकता. मेरे हस्बैंड भी अगर कहेंगे कि नहीं नहीं वो बंदा अच्छा नहीं है, तो वो चेंज नहीं कर सकते मुझे, क्योंकि मेरा प्यार लाइक डाई हार्ट प्यार हो जाता है मुझे. सो अगर मुझे मेरे जैसा दोस्त मिले तो मजा आ जाए. ओके दोस्तों, मैं अपनी पाव भाजी को बैठ के आराम से खाना चाहती हूँ. मैं मिलूंगी आपको कल नए व्लॉग के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, या फिर थोड़ी देर में हम पति के साथ बहस बस ये करते हैं, या बाद में मिलते हैं. पति इधर देख रहे, पता नहीं पति नु की चाहिए रहा? मैं चाहिए थी. ओके आई एम कमिंग. मजाक करी, उन्हें मैं नहीं चाहिए, उन्हें पाव चाहिए. और लेट दोस्तों, तो हमारा डिनर हो चुका है. मैं दो बंदे लेके आई हूँ यहाँ से, गली में घूम रहे थे. एक बंदा मिसिंग है दोस्तों, वेट करें उनकी, उनको ठंड बड़ी लग रही है. दोस्तों तो हमने डिनर कर लिया है और मैं दो बंदों को लेके आई हूँ, उनके रिव्यूज लेते हैं. आपको डिनर कैसा लगा? पाव भाजी कैसी? अच्छा लगा, मगर ये बातचीत पहले कर लिया करो, पहले खाने के बाद उठा नहीं जाता हमसे. पहले आपको खाने की काढ़ी होती है कि पहले खिला दो, बातें वगैरह पहले कर लिया करो. इनके गर्म स्वभाव से लग रहा है कि इनको मेल काफी तड़क भड़क वाला लगा, और ये काफी खुश लग रहे थे कुछ समय पहले, और अब ये चुलबुले बन रहे हैं एक दूसरे के साथ. तो इन दोनों के पास करने के लिए कोई प्यारी प्यारी बातें नहीं है, वो सिर्फ मेरे पास ही होती है, जो मेरे पास मौकगी है फिलहाल के लिए. और या आज यहीं पे विदा लेते हैं. उम्मीद है कि आपने ये व्लॉग को पसंद किया होगा, अगर किया है तो फिर मीमी गुस्सा हो जाएगा दोस्तों. सो मीमी को गुस्सा नहीं करेंगे, जल्दी से लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब करें. और हम मिलेंगे आपको कल नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग, एंड थिंक अबाउट समथिंग एंड टेक एक्शन एंड डू इट. आपको पता नहीं है ये नन्नी सी आउट्रो करने कितना मुश्किल है. पजा मारते रबर टब्बर रुस्ता. चल बोल बोल आजा. नॉट फॉरगेट गाइस, यू आर ब्यूटीफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग. यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. दैट्स इट. I love you guys and so subscribe much. Subscribe now, but then you didn't subscribe. You did just smash. I will smash everything. Oh, chal, loving you. I will break the house. Aye, kukri ji. Kukri ji, smash karna. Bye. Bhai, tu hi ne puchi deni aaj. De udhe se ek puchi. Acha. Ne udhe karo. Acha udhe. Nahi, nahi karo bhi. Kidhar? Udhe dam. जिन्हों देनी है.